कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियस में कब होता है, वो थ्रेड लाइक एक मास होता है, और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाई विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। मतलब बच्चों कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस में एक सेल डिवाइड होता है दो नए सेल्स में। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में भी इसका एक क्रूशियल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड वॉट विल इट एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाई डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब बच्चों कि ये सेल की केमिकल एक्टिविटी को डायरेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यही डिसाइड करता है कि कोई सेल डेवलप जब होगा तो डेवलप होने के बाद मैच्योरिटी के समय में उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है न्यूक्लियस ही। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब बच्चों कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया ही है, उसमें न्यूक्लियर रीजन अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर रीजन जो होता है बच्चों वो पुअरली डिफाइंड होता है, ठीक ना। और वो क्यों होता है पुअरली डिफाइंड, ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जैसे कि हो गया, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। मतलब बच्चों कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें कोई न्यूक्लियर रीजन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड किस चीज़ से बना होता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, और न्यूक्लियोइड के अराउंड में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मतलब बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता न्यूक्लियस के अराउंड में, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट मीन्स होता है कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स मीन्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि प्राइमरी न्यूक्लियस हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है। तो बैक्टीरिया क्या है बच्चों, एक प्रोकैरियोट है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। और ह्यूमन क्या है बच्चों, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके न्यूक्लियस के अराउंड में होता है, और इसीलिए इनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बच्चों, उनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी अब्सेंट होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाई पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये जो सारे के सारे ये जो फंक्शंस होते हैं, चूंकि बच्चों सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है मान लिया जाए, लेकिन फिर भी सारे फंक्शंस तो करने हैं ना, तो उन फंक्शंस को करने के लिए साइटोप्लाज्म जो कि पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, वही ये सारे प्रोसेसेस करता है, इन ऑर्गेनेलिज का सारा काम करता है। जैसे कि द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मतलब कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया में भी सुना है ना आपने फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक ना। बैक्टीरिया जैसे कि साइनो बैक्टीरिया होता है, तो साइनो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मतलब कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, उसमें उसका जो वेसिकल होता है मेम्ब्रेन वाला होता है, बट
नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल, लेकिन प्लास्टिड्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता उसके अराउंड में। क्लियर हो रही है बात? तो सिंपल सी बात होती है कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। दूसरा डिफरेंस है कि मेम्ब्रेन उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों, सेल के दूसरे पार्ट के बारे में हमने जान लिया, न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस होता है ये अगले जेनरेशंस में ये कैरी करने का काम करता है। सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है, डार्कर पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, अगला है साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या कह रहा है इसमें कि व्हेन वी लुक एट द टेम्पोररी माउंड्स ऑफ ओनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चिक सेल्स, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इंक्लूज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जब हम लोग टेम्पोररी माउंड जो हमने प्रिपेयर किया था बच्चों ओनियन सेल का और चिक सेल का, उसमें हम लोग एक लार्ज रीजन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो जो रीजन होता है बच्चों वो होता है साइटोप्लाज्म। दिस रीजन टेक्स ऑफ वेरी लिटिल स्टेन, और इसका जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं बच्चों तो ये बहुत कम कलर्ड होता है। जो डार्क कलर में हो जाता है वो न्यूक्लियस हो जाता है, तो ये जो इसकी स्टेनिंग हम लोग करते हैं तो ये काफ़ी कम स्टेन लेता है, काफ़ी कम ये कलर्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल का सबसे बड़ा पार्ट है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड कंटेंट इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूड कंटेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेंस मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड क्यों कहा गया? क्योंकि उनका स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और सारे के सारे ऑर्गेनेल्स का सेल के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या कहा जा रहा है? प्रोकैरियोट्स में बिसाइड द अब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो अब्सेंट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं बच्चों कि पहली बात कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और साथ ही साथ उसमें जो डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी अब्सेंट होते हैं, डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड और अब्सेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। वैसे और उसके अलावा हम लोग जब यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं तो क्या पाते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, साथ में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। इन मेम्ब्रेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है, मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, इसको हम लोग वायरसेस का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से जान पाएंगे क्या होता है वायरसेस में। तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हैंड्स डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। तो वायरसेस में क्या होता है बच्चों, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, और जब मेम्ब्रेन इनमें नहीं होता तो ये डेड माने जाते हैं, ये लिविंग नहीं माने जाते, और जब ये सेल के बाहर होते हैं, जब किसी बॉडी के बाहर होते हैं तो ये डेड माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर इंटर करते हैं, वैसे ही सेल मशीनरी को यूज़ करके, सेल के जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सेल की जो भी मशीनरी है उसको इस्तेमाल करने के बाद ये अपना सारा वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स या फिर हम लोग ये कहें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का क्या इम्पोर्टेंस है, इन वायरसेस से समझा जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक डिफरेंस है बच्चों, इनको जरा हम लोग पढ़ेंगे। क्या है
कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है बच्चों, वो जनरली होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स, 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो डायमीटर होती है, वो उनकी जो साइज होती है। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल्स की साइज जो होती है बच्चों, वो 5 to 100 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहली बात तो ये समझ में आई। न्यूक्लियर रीजन, अब बच्चों आपने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि न्यूक्लियर रीजन क्या होता है बच्चों, अब्सेंट होता है, ठीक ना, एंड नोन एज न्यूक्लियर रीजन। जो न्यूक्लियर रीजन जो होता है बच्चों, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और उसको जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर रीजन जिसमें अब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक ना। न्यूक्लियर रीजन में ये लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या है बच्चों कि न्यूक्लियर रीजन में वेल डिफाइंड होता है, और यहाँ पे क्या हम लोग कहेंगे, पुअरली डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, डू नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक ना, और ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड लिखेंगे, और यहाँ पे पुअरली डिफाइंड लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद से है बच्चों क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम इनमें सिंगल पाए जाते हैं, और इनमें मोर देन वन क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोजोम्स की संख्या ज़्यादा होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोजोम सिंगल होते हैं। अगली बात है बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है ना, तो ये आप लोग इस टेबल को आप लोग फिल करेंगे और इस टेबल को याद करेंगे। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में।